राशि के श्री चरण और बिंद में सादर साष्टांगवत प्रणाम। ब्रह्मचारी जी पूछ रहे महाराज जी, जीवन में निसंकल्पता और निष्कामता कैसी बने रहे? बहुत प्रयत्न करने पर भी निसंकल्पता और निष्कामता टिकती नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत सी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि बनी रही है, हमारे लिए बहुत सुख देने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है और ये सच्ची है। तब तक इसके बारे में कल्पना होती रहेगी, सम्यक की कल्पना का नाम संकल्प है। आप परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी भी वस्तु को यदि अच्छी समझे हो तो उसको पाने की कामना होगी। काम जाना निकले मृदम संकल्पात फिर जाए थे नाम संकल्प फिर भविष्य की कामना की उत्पत्ति होती है संकल्प की, और संकल्प आता है संसार में सत्व रुचि महत्व रुचि और सुख रुचि होने के, इसलिए दोहरा काम करना चाहिए उसके लिए। एक तो परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प हो और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कामना हो, संकल्प और कामना कहा परमात्मा की ओर मुड़ जाए और संसार की ओर से हत्यार सब जाकर के निसंकल्पता और निष्कामता होती है। जहाँ तक साधन का प्रश्न है इसके लिए वैराग्य और भगवत भक्ति से। अब रही बात ये कि जब तक अपने में सोचता पर है तब तक पूरी निष्कामता नहीं आ सकती, और जब तक करता पर है तब तक पूरी निष्क्रियता नहीं आ सकती। उसके लिए कामना और कर्म की निवृत्ति के लिए इस भ्रम की निवृत्ति होनी चाहिए कि मैं करता और देखता हूँ, और मैं करता देखता हूँ इस भ्रम की निवृत्ति को पूरी तत्वज्ञान से। जब अपने को परिच्छिन्न शरीर में रखेंगे तो इसके लिए अनेक भोगों की और कर्मों की इच्छा होती रहेगी, इसलिए विवेक के द्वारा परिच्छिन्न शरीर से अपने को ऊपर उठाने का प्रयास करें, आत्मचिंतन करें, भोग चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें और संसार से वैराग्य हो। संसार से वैराग्य और योग करें, इन दोनों की जितनी जितनी जानता आपके जीवन में आएगी उतनी उतनी निष्कामता और निष्कामता आएगी। संसार की वस्तुओं को तो समझो महत्वपूर्ण, और जहाँ की उनकी याद ना हो, उनके बारे में संकल्प न हो, कामना न हो, जब आप उनको महत्वपूर्ण और सुख देने वाले समझोगे तो वही संकल्प और कामना होगी। महर्षि, भजन में दंभ क्या है? क्या दंभ पूर्वक किया गया भजन भी कभी कल्याण का हेतु हो सकता है? भजन में दंभ काम नहीं है। असल में जिस वस्तु की कामना करते हैं चाहते तो उसको हैं और दिखाते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, जैसे कोई सेवा कर रहा है वो चाहता तो है धन, चाहता तो है भोग और ऊपर से सेवा कर रहा है, तो सेवा जो है माया हो गए, कपट हो गए, कर्म हो गए। अपने सुख स्वार्थ की जहाँ तक वासना है वहाँ तक भजन में दंभ रहता है। सुख स्वार्थ परिहर करों से यही साहिबन सुनाएंगे, अपने भगवान के पास जाना भगवान राम का जाऊँ वो सुख स्वार्थ परिहर करों से यही साहिबन सुनाएंगे। मैं तो भगवान राम के पास जाऊंगा विभीषण जी कहते हैं, और अपने लिए सुख और अपने लिए स्वार्थ, सुख माने काम और स्वार्थ माने अर्थ, या दोनों को एक में मिला दें कभी करेंगे। जब तक हम अपने लिए कुछ चाह करके सृजन करते हैं
तब तक ऊपर से दिखाते हैं हम कोई नहीं के संग रहेंगे और हलवा पूरी खूब मजे से खाएंगे। तो सुख और स्वार्थ जब तक भजन में रहता है तब तक दम को बना रहता है। हमारे भजन दिखावा हो गए, भजन दिखावा हो गए, भजन पास रहते भी हो सकता है, दूर रहते भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। जब हम अपनी ओर भजन का फल अपनी ओर खींचेंगे तब ये हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। असल में तो हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं भजन के द्वारा, इसलिए उसको दम मानेंगे। निष्कपट नहीं है वो, कुछ न कुछ उसमें स्वार्थ जरूर है, यही कुहक है, कुहक है, कपट है, माया है। हम सुख अपनी ओर लेना चाहते हैं कि भगवान को ओर भेजना चाहते हैं। भगवान को तो सुख की जरूरत नहीं है और हम सुख की चाहते करके तो अपने आप सुख की वासना जो है वो कर जाए। और यदि हम भजन का फल अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, ये फल नहीं है। इन दम्भियों का कुछ कल्याण हो सकता है कि नहीं? कल्याण कर सकता है, क्योंकि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो कल्याण है। कल्याण रूप ही है जीव, इसलिए कल्याण का अनधिकारी कोई नहीं है। ये जरूर है कि अपनी योग्यता के अनुसार और अधिकृत साधना करेगा तो उसका कल्याण होगा, और जहाँ उसकी पहुँच नहीं है उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। अभी ये तो पकड़ नहीं पाता है कि शरीर से अलग है आत्मा, ये बात तो समझ में नहीं आती है और पकड़ में नहीं आती है और अनुभव में नहीं आती है, और बन जाएगा ब्रह्म तो ब्राह्मी स्थिति तो होगी नहीं, अंत को गत्वा वो गिर के फिर शरीर में ही पड़ जाएगा। इसलिए पहले शरीर से धर्माचरण करना चाहिए और मन से भगवान का भजन करना चाहिए और मन को भगवान में एकाग्र करना चाहिए। जब क्रम क्रम से साधना करेंगे, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे तब तो पड़ जाएंगे। और ये सबसे बढ़िया है ऐसा समझ के यदि छलांग भरेंगे तो वो हाथ में चीज आवेदे और गिर जाएंगे। इसलिए अपने अधिकार के अनुसार ही साधना करनी चाहिए, अधिकार से बाहर नहीं जाना चाहिए। भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? देखो तुम अंतर तो स्वयं बना रहे, अपने मन में तुम्हारे मन में दोनों शब्द हैं, प्रेम भी है और भक्ति भी है। तो ऐसे कहो कि श्रद्धा युक्त जो भगवदाकाराकार की वृत्ति है, श्रद्धा की प्रधानता से उसको भक्ति कहेंगे, और जो प्रियता की प्रधानता से वृत्ति है उसको प्रेम कहेंगे। महत भक्ति में महत्व बुद्धि विशेष है और प्रेम में जो है उस संबंध की विशेषता है। भगवान हमारे माता पिता हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे पति हैं, प्रियतम हैं। संबंध की प्रधानता प्रेम में होती है और महत्व बुद्धि की श्रद्धा की प्रधानता भक्ति में होती है। वैसे भक्ति की परिभाषा जो शास्त्रों में मिलती है वो सभी तरह की मिलती है। सातु परम प्रेम सात प्रश्न परम प्रेम रूपा, भक्ति का रूप परम प्रेम है। नारद जी ने कहा परम प्रेम, परम प्रेम का अर्थ है कि जिससे बढ़ करके और कोई प्रेम न हो। वल्लभाचार्य जी ने भक्ति की परिभाषा की महात्म्य ज्ञान पूर्व वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक प्रेमा भक्ति ख्यात स्नेहो भक्ति ख्यात दया मुक्ति में चाहने का। तो एक तो भगवान की महिमा का ज्ञान हो और सुदृढ़ कभी न टूटने वाला प्रेम हो, सबसे अधिक वैसा प्रेम और किसी से न हो। तो भक्ति का रूप तो है प्रेम और स्वरूप है अमृत स्वरूप आकर। सात वस्तुन परानुरक्ति ईश्वरे, सांडिल्य कहते हैं परमेश्वर के प्रति परम अनुराग का नाम भक्ति है। तो प्रेम में रस की वृत्ति अधिक है
और भक्ति में श्रद्धा की वृत्ति होती है, और बाहरी जो दिखावा है वो तो किसी कदर वो भी भक्ति में सहायक है। कपड़ा बदल लेना, लाल पीला कर लेना, या चंदन बदल लेना, या माला बदल लेना, ये सब नाचना कूदना गाना बजाना, ये जो है ये क्रम क्रम से भक्ति के साधन है। परंतु यदि इन्हीं को भक्ति मान के बैठ जाएंगे तो जीवन में अंतर्मुखता नहीं आएगी। जब भजन में बैठता हूँ कभी कभी मित्र लोग आके विक्षेप घटाते, इन शत्रु रूपी मित्रों से कैसे बचे? वाह तो आप बच रहे, यदि उनके प्रति आपकी ऐसी बुद्धि है कि भक्ति में विक्षेप डालने वाले हैं तो आपकी आसक्ति उनके साथ नहीं होगी, आप बच जाएंगे। परंतु शत्रु उनको नहीं कहना चाहिए, शत्रु कहने से तो द्वेष हो जाएगा, उनके ऊपर क्रोध हो जाएगा या घृणा होने लगेगी। उनको ऐसा कहना चाहिए कि भगवान ये रूप धारण करके आए हैं और हमको गुदगुदा रहे हैं कि देखें हमारी ओर देखते हैं कि नहीं, बहुत हो तो उपेक्षा कर देंगे। एक बात है, ये जो आप मित्र रूपी शत्रुओं से डरते हैं इसमें यदि आप उनकी उपेक्षा कर देना, वे आपके भजन के समय आए और आप उनसे न मिले, आप उनसे बात न करें, पहले से ही उनको सूचना दे दें कि भाई इस समय से इस समय तक हम भजन में रहते हैं, हम नहीं मिलेंगे, तो आप विघ्न से बच जाएंगे, विक्षेप से बच जाएंगे। उनको बता क्यों नहीं देते कि हम भाई इतने समय तक भजन करते हैं, तुमसे बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, आप मित्रों का इतना लिहाज क्यों करते हैं? अपने भजन में कोई बाधा मत डालिए। मेरा जो मन तो करता है कि अधिक से अधिक भजन करे, परंतु चाहते हुए भी होता क्यों नहीं, क्या इसमें प्रारब्ध बाधक है? नहीं, आप करिए, भजन प्रारब्ध बाधक नहीं है, भजन में प्रारब्ध बाधक नहीं होता है, भोग में प्रारब्ध बाधक होता है। प्रारब्ध से भोग मिलता है या नहीं मिलता है, प्रारब्ध भजन में बाधा नहीं डाल सकता, वो तो एक उसका विभाग ही दूसरा है। भगवत शरणागति में या भगवत तत्व ज्ञान में प्रारब्ध क्या करेगा, थोड़ा बहुत प्रतिबंध भी करेगा भगवान के भजन से उसकी मुक्ति। भजन करता हूँ सब यांत्रिक लगता है, रस नहीं आता, क्या करे? ये जो रस नहीं आता है ये आपके चित्त की बहुत अच्छी स्थिति है। यदि ऐसा अनुभव होता है कि रस नहीं आता, रस नहीं आता ये अनुभव होगा तो प्यास बढ़ेगी, व्याकुलता बढ़ेगी और रस आने लगेगा। हमको बहुत रस आता है ये भजन की उन्नति नहीं, भजन में हमको रस नहीं आता है ये चित्त की उन्नति का लक्षण है। यदि हमको इसका दुख हो, पीड़ा हो, रोए, जैसे बच्चे के लिए रोते हैं, पति के लिए रोते हैं, धन के लिए रोते हैं, वैसे भजन के लिए यदि रोना आ जाए, आते हैं कभी भजन के लिए आंखों में आंसू, होता है शरीर में रोमांच, होता है कंठ गदगद, तो भजन की प्यास है और उसमें यदि न्यूनता मालूम पड़ती है तो आपके कल्याण का मार्ग है। यदि आपको मालूम पड़े कि हमारे अंदर बहुत प्रेम है, बहुत भक्ति है, तो अब आपके प्रेम और भक्ति का ह्रास होगा, और यदि ये मालूम पड़े कि जितना चाहिए उससे बहुत कम है तो बढ़ाने के लिए प्रयास होगा। इसलिए प्रेम की कमी का अनुभव प्रेम को बढ़ाने वाला होता है, प्रेम को घटाने वाला नहीं होता। श्री चरणों में सादर नमन। पूज्य महाराज श्री, क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। एक बहन पूछ रही है, जहाँ तक द्वैत बुद्धि का प्रश्न है, क्रोध में भी है और स्नेह में भी है, फिर क्रोध को बुरा और स्नेह अथवा प्रेम को अच्छा क्यों समझा जाता है? कृपा करके। एक डॉक्टर ने हमको बताया कि गेहूँ और चावल दोनों में शुगर बराबर है। अच्छे डॉक्टर ने बताया, एकदम तुम चावल खाने को मना करते हो और गेहूँ खाने को कहते हो, इसका क्या कारण?
तो उसने बताया कि चावल जो है वो तत्काल आता है घंटे दो घंटे के बीच, और गेहूँ को शुगर बनने में बड़ी देर लगती है, धीरे धीरे बनता है, ऐसे बाजरा है। तो स्नेह और क्रोध, क्रोध जो है वो तत्काल चित्त को जलाने लगता है, और स्नेह जो है वो दुख परिणामी है, उसके अंत में दुख मिलेगा। स्नेह करोगे किसी से तो दुख तो होना ही पड़ेगा, दुखी तो होना ही पड़ेगा। स्नेह हुआ जो प्रेम था, प्रेम करी काबू सुख मिले, प्रेम पतंग करी दीपक सो पावक माही दे, प्रेम करी काबू सुख मिले। तो दुख तो स्नेह भी देता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु क्रोध जो आता है वो जिस समय आता है उसी समय आंख लाल हो जाती है, उसी समय तीव्र हो तो कंपन होता है, पानी लड़खड़ा जाती है, और सुख का जो स्रोत है वो बंद हो जाता है। क्रोध अकस्मात कम रुणती थी, जो हमारे सुख के झरने को बंद कर दे उसका नाम होता है क्रोध। कम रुणत्व का रोधना क्रोध निश्चित है, वो हमारे सुख को तत्काल नष्ट कर देता है। क्रोध क्यों आता है? क्रोध आता है अपनी अद्वितीयता के अज्ञान से, द्वैत की भ्रांति, कामना की पूर्ति न होने से, ऐसे अपनी मान्यता के विरुद्ध कोई आचरण करे। ये मान्यताएं भी संस्कार ही हैं, दक्षिणात्यों की मान्यता और पौरस्तों की मान्यता पाश्चात्यों की मान्यता, इसी भारत में ही भारत खंड में ही पृथक पृथक है, ब्राह्मणों की शूद्रों की देश भेद से काल भेद से जाति भेद से संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं और मान्यताएं दृढ़ होते हैं। तो अपनी मान्यता के विरुद्ध जब कोई आचरण करता दिखता है तब उसके ऊपर क्रोध आता है। तो क्रोध के बीज जो है वो द्वेष में रहते हैं, हम उसको पहचानते नहीं है कि ये द्वेष है, परंतु किसी वस्तु से द्वेष होता है, किसी क्रिया से द्वेष होता है, किसी व्यक्ति से द्वेष होता है, किसी भाव से भी द्वेष होता है, किसी संस्कार से किसी वासना से भी द्वेष होता है। उसके दिल में आते ही मन में आते ही अपने को जलन महसूस होती है। द्वेष ज्वलनात्मक चित्त वृत्ति विशेष है, द्वेष माने हमारे दिल में जिसके आने से, आंख के सामने जिसके दिखने से, जिसका स्मरण होने से अपने मन में जलन होने लगे उसका नाम होता है द्वेष। वो संस्कार रूप से रहता है, सुषुप्ति में भी उसकी निवृत्ति पूर्ण रूप से नहीं होती, बीज रूप से द्वेष रहता है, और वही जब वृत्ति के रूप में उदय होता है तब क्रोध होता है, और वही जब क्रिया के रूप में उदय होता है तब उसका नाम हिंसा हो जाता है, और जब वही सार्वजनिक रूप से होता है तब उसका नाम द्रोह हो जाता है। तो पहली बात यह है कि क्रोध को क्रियान्वित न होने में, श्री हरि बाबा जी महाराज बताते थे, उनको किसी वकील ने बताया कि वो जज के सामने बहस कर रहा था, बहस करते करते क्रोध आ गया, अपने पक्ष को पुष्ट करते करते दूसरे के पक्ष का खंडन करते करते क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो चुप हो गया, तो दो मिनट चुप रहा, फिर जब बोलने लगा तो जज ने पूछा कि तुम चुप क्यों हो गए? तो वकील ने बताया कि हम एक महात्मा के पास सत्संग करने के लिए जाया करते थे, तो उन्होंने हमको ये कहा कि जब भीतर क्रोध उतरने लगे, क्रोध की भी एक खून पर में एक लहर दौड़ती है खून, और उससे खून गर्म हो जाता है, तो पहले ही पता चल जाता है कि अब हमको क्रोध आने वाला है, तो उस समय सावधान हो जाए और मौन हो जाए,
उस क्रोध के अनुसार बोले नहीं और कोई क्रिया करे नहीं, तो अपना द्वार न मिलने से फिर क्रोध शांत हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि यदि क्रोध आने वाला हो तो मौन होना चाहिए, और आने वाला मालूम पड़े तो वहाँ से हट जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और कोई पहले से ही ये निश्चय करके रखें कि यदि हम क्रोध में कुछ बोल देंगे या कुछ कर देंगे तो हम ये दंड भोगेंगे, 5 रुपया किसी गरीब को देंगे या नमक छोड़ देंगे, 1 सप्ताह तक नमक नहीं खाएंगे या 3 दिन तक चाय नहीं पियेंगे, दूध नहीं पियेंगे। तो ये व्रत यदि पहले से ही रखा जाए तो जिस समय क्रोध आने वाला होगा उस समय दूध या चाय या नमक आपके सामने खड़ा हो जाएगा, प्रत्यंतर हो जाएगा, और नमक कहेगा कि प्यारे अब 3 दिन तक तुम हमको छोड़ रहे हो तो क्रोध जो है वो ढीला हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। तो ये क्रोध आता कहाँ से है, कामात क्रोधो ही जाए थे, क्रोध का बाप है काम। तो जब कामना होती है चित्त में कि ये ऐसा हो और ये ऐसा ना हो, तो जैसा हम नहीं चाहते हैं वैसा होने लगता है तब क्रोध आता है, और जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है तब क्रोध आता है। इसलिए पहले अपनी कामना को ही तौल लेना चाहिए कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, तो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, जितनी चिढ़न है जितनी कुहन है अपने जीवन में, ये सारी की सारी अपनी वासनाओं के पराधीन होने के कारण ही होती है। नहीं तो चिढ़ने कुढ़ने का कोई काम क्या है, सब लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार बरतते हैं, न तो कोई किसी के हम पट्टेदार हैं, न किसी के जज हैं, न किसी ने हमको वकील बनाया है। नारायण दूसरा क्या करता है ये फिकर हमारे मन में आती ही क्यों है, तो संबंध है सावधानता, जो हम दूसरों के साथ संबंध जोड़ते हैं उसमें सावधान रहना चाहिए। और कामना क्यों होती है, अपने में अपूर्णता का अभाव का अनुभव होने से, ये चीज हमारे अंदर नहीं है तो हमको मिले, और ये चीज जो है वो हमारे विरुद्ध है, ये हमारे पास न आवे, तो ये कामना क्यों आती है, अपने को परिच्छिन्न समझने के कारण। इसलिए क्रोधी मनुष्य जो है उसके पास लोग आने से डरते हैं। ब्रह्म तम परादाद जोन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्रम तम परादाद जोन्यत्रात्मनो क्षत्रम वेद, देवास्तम परादुर जोन्यत्रात्मनो देवान वेद, वेदास्तम परादुर जोन्यत्रात्मनो वेदान वेद। जो अपने से अलग क्षत्रिय को मानेगा क्षत्रिय उसका दुश्मन, जो अपने से अलग ब्राह्मण को मानेगा ब्राह्मण उसके दुश्मन, जो अपने से देवता को अलग मानेगा देवता उसके दुश्मन। इसलिए क्रोध की द्वैतक बुद्धि दिन जब हम अपने और पराये का भेद करते हैं, आप देखो विचार करके कि वही गलती जब आपसे होती है तब आप क्या करते हैं, दूसरे से वो गलती होती है तब तो आप उसको दंड देना चाहते हैं, और अपने से जब वही गलती होती है तब क्षमा करना चाहते हैं। तो होना ये चाहिए कि अपने से कोई गलती हो तो अपने को दंड दें और दूसरे से कोई गलती हो तो उसको क्षमा करें, परंतु बिल्कुल उल्टा हमारे जीवन में होता है। इसीलिए क्षमा जो है वो भक्त का एक गुण है। यदि तुम सबके पीछे पीछे लाठी लेके दौड़ोगे इसको दंड दें तो तुम भगवान का स्मरण कैसे करोगे, भजन कैसे करोगे, जब निंदा करोगे गाली कर दोगे दूसरे का चिंतन करोगे तो सोचो तुम्हारे हृदय में भक्ति कैसे आवेगी कैसे रहेगी। इसलिए अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, क्षमी शब्द का अर्थ है क्षमावान,
क्षमा अस्य अस्ति इति क्षम। हमेशा ही मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए। यदि आप अपने को भगवान की भक्ति आवश्यक समझते हो तो हमेशा दूसरे के अपराध पर दृष्टि न रख करके किसी भी कारण से भगवान का स्मरण न टूटे, आत्मचिंतन न टूटे, इसका प्रयास करना चाहिए। तो यदि आप धर्म चाहते हैं तो ये तो वर्णन आता है कि जब कोई यजमान जंग में बैठा हो और उसको क्रोध आ जाए और शत्रु के ऊपर वो प्रहार करने के लिए तत्पर हो जाए तो उसके यज्ञ में विघ्न पड़ गया, यज्ञ को यज्ञ में विघ्न पड़ जाता है। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, किसी की निंदा करने लगे, गाली देने लगे तो भगवान का नाम छूट जाएगा। आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं और किसी पर क्रोध करें तो जिस पर क्रोध करेंगे उसका स्मरण होगा, भगवान का स्मरण छूट जाएगा। और यदि आत्मचिंतन कर रहे हैं तो नारायण आत्मचिंतन छूट जाएगा। और यदि ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, आत्मा ब्रह्म की एकता नारायण, तब तो फिर क्रोधावच्छिन्न चैतन्य और क्रोध विषयावच्छिन्न चैतन्य दोनों की एकता कैसे होगी। यदि क्रोध रहेगा मन में तो इसलिए जहाँ तक संभव हो अपने चित्त में किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सर्वभूतेषु मद्भावम् पुंसो भावयतु चिरात् स्पर्धा सूया तिरस्कारा साहंकारा दियन्ति। सर्वभूतेषु मद्भावम्, सब में जब भगवान को तुम देखना शुरू करोगे तब किसी के प्रति स्पर्धा नहीं होगी। और स्पर्धा माने होड़ लगाना, और असूया माने गुणों में दोष का आविष्कार करना। कहे देखो ये इसकी किसम का वर्णन करता है, अरे सब दिखाने के लिए करता है, करे माला लेता है तो सब दिखाने के लिए। माला लेना तो बहुत अच्छा है, संध्या वंदन करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने मन में असूया होगी तब उसमें दोष दृष्टि हो जाएगी। स्पर्धा असूया, दूसरों का तिरस्कार और अपने में बड़प्पन का भाव, ये सब का सब भगवत भाव से मिट जाता है। हमें दूसरे को नहीं देखना चाहिए, निरंतर अपने अंतकरण का ही निरीक्षण करना चाहिए कि इसमें क्या आ रहा है क्या जा रहा है। इसलिए यदि क्रोध आने वाला हो तो भगवान का नाम लेकर के एकांत में क्रोध आता हो तो भीड़ में आ जाना चाहिए, और नारायण कोई सद्ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, कुछ मीठी मीठी चीज खा लेनी चाहिए उस समय, और शीशे के सामने जाकर अपना चेहरा देखना चाहिए कि कैसा बिगड़ रहा है। दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए लेकिन स्वयं देखना चाहिए कि हमारे चेहरे पर कैसी आकृति उभर रही है। एक तंजौर में एक पुस्तकालय है भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्राचीन ग्रंथों का पुस्तकालय माना जाता है। अभी 50,000 ग्रंथ उसमें ताड़ पत्र पर और शोध पत्र पर लिखे हुए तमिल लिपि में है। उसमें एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक ओर तो विकारों का विकारी मनुष्य का चित्र है और एक ओर पशुओं का चित्र। तो जब आदमी को क्रोध आता है तो उसकी शक्ल में सांप जैसे हंस उछलता है उठता है वैसी उसकी शक्ल हो जाती है, और जब वो बिल्कुल आलसी हो जाता है तो गधे जैसा हो जाता है, तो गधे का मुंह जैसा लटकता है वैसा। तो एक ओर आलसी आदमी है तो दूसरी ओर गधा बनाया हुआ है, तो एक ओर क्रोधी है तो दूसरी ओर नारायण सांप बनाया हुआ है। तो पशुत्व का उदय जो है ये विकारों के उदय के समय हमारे अंदर पशुत्व का उदय हो जाता है। और नारायण इसलिए बहुत सावधान रह करके भगवत भाव से विमुख न हो, अद्वैत बुद्धि से विमुख न हो, आत्मचिंतन से विमुख न हो। जब हम चाहते हैं, पति चाहता है कि पत्नी हमारे मन के अनुसार काम करे तो न करने पर क्रोध आवेगा, पत्नी चाहती है कि पति हमारे मन के अनुसार काम करे तब पति पर क्रोध आवेगा,
ये जो हम अपना मन दूसरे के ऊपर लादना चाहते हैं, असल में अध्यात्म जगत में यही सबसे बड़ा दोष है। जब किसी को अपना संबंधी मानेंगे तभी तो उससे चाहेंगे कि ऐसा करे, और हमारे संबंधी तो एकमात्र भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, हमारे तो भगवान है। क्रोध करना हो तो भगवान पर करो, और हंसना हो तो भगवान से हंसो, और प्रेम करना हो तो भगवान से प्रेम करो। अपनी दुनिया में मगन रहो तो ये विकार जो है वो आवेंगे नहीं। तो सचमुच क्रोध एक ऐसा विकार है, वो चाहे काम से आवे और चाहे अपनी मान्यताओं के कारण आवे, चाहे अपनी परंपरा के जो क्या नाम है रूढ़ियाँ हैं उनके कारण आवे, आता है मन में द्वैत बुद्धि से ही। इसलिए जहाँ तक हो सके इसको बचना चाहिए, और जब तक आप विकारी हैं तब तक निर्विकार परमात्मा से कैसे एक हो सकते हैं। आपको यदि शुद्ध जल से मिलना है तो मैला लेके मत मिलिए। एक महात्मा के पास में गया था, बहुत श्रम करके मृत्यु का भय एक तरफ रख के जाना पड़ा, कहीं नारायण बह जाने का डर था नदी में, पार करके उनके पास गया तो वो तो बड़े भयंकर थे महाराज, आँख लाल लाल उनकी, खड़े खड़े हमको देख के डर गए। डर के जब हम लौट गए, धरती पर लौट गए डर के प्रणाम करने के व्यास से, तब उन्होंने इसे हाथ करके बुला लिया और उन्होंने कहा कि देखो जब तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगी है, हाथ मल लगा है, उस समय हम तुमको माखन देंगे तो वो माखन भी गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा, इसलिए पहले तो हाथ साफ कर लो और उसके बाद हम तुम्हें माखन देंगे। ये बात हमारे पितामह ने भी हमको सिखाई थी, क्योंकि जब हम लोग शौच होके आते थे तो लोटा मांगते थे, तो बचपन में लोटा मांगना जब नहीं आता था, जबकि ये बात है तो हाथ में मिट्टी लगी है और लोटा होने लगे तो साफ नहीं होता था, तो बाबा ने बताया कि पहले हाथ धो और फिर लोटा धो, तब तो साफ हो जाएगा, और हाथ में मिट्टी लगी रहेगी और लोटा धोओगे तो साफ नहीं होगा। इसलिए जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे तभी उसमें शुद्ध वस्तु का ग्रहण हो सकेगा। यदि हम अपने अंतःकरण को पात्र को शुद्ध नहीं करेंगे तो सारे ज्ञान तो आते हैं अंतःकरण में, सारी भक्ति आती है अंतःकरण में, वही तो पात्र है अपने पास। स्वतंत्रस्मिन यदि पात्र, जिसमें सारे उपदेश आकर के गिरते हैं उसका नाम है पात्र, जिसमें पानी गिरता है उसका नाम है पात्र, और जिसमें दान का द्रव्य गिरता है उसका नाम है पात्र, और जिसमें महात्माओं के उपदेश आकर के गिरते हैं उसका नाम है पात्र। तो पात्र की शुद्धि के बिना उपदेश का ग्रहण नहीं होता है, इसलिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ बाबा से किसी ने एक दिन पूछा था कि महाराज जीव की समान ये क्या गोस्वामी जी ने कह दिया, तो बाबा ने कहा सच ये बिल्कुल ठीक बात है, तुम कहाँ सुन के आए हो कि जीव और ईश्वर एक है, जीव ईश्वर नहीं है, जीव तो त्वपद वाच्यार्थ है और ईश्वर तत्पद वाच्यार्थ है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, और जब तक दोनों का विवेक न किया जाए कि आप देहाभिमानी रहते हुए ये सोच सकते हैं कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ, जगत का विवर्ती उपादान, तो पहले जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण का जब पृथक रूप से विवेक हो जाएगा उसकी अद्वितीयता का, तब यदि हम अपने आत्मा से अभिन्न उसको समझेंगे तब तो समझ सकेंगे, और यदि पहले अद्वितीयता का विवेक ही नहीं हुआ है कि वो कैसी होती है, अपरिच्छिन्नता का विवेक ही नहीं हुआ है कि वो कैसी होती है, तो हम किस अद्वितीय से अपने को, किस अपरिच्छिन्न से अपने को एक करेंगे। इसलिए जीवन में भगवान की भक्ति प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक तत्पदार्थ का अनुसंधान करना बहुत आवश्यक है। जिसके जीवन में ईश्वर का अनुसंधान नहीं है वो जबानी जमा खर्च से अपने को झूठ मूठ ब्रह्म होने की भावना कर लेगा, और वो भावना दृढ़ कभी नहीं होगी।
इसलिए पहले भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। और अंतःकरण शुद्ध में दो बात है, एक तो अंतःकरण की शुद्धि होती है और एक जिस भजनीय वस्तु का चिंतन होता है उसके स्वरूप में स्फुटता होती है। तो भक्ति जो है वो दो काम करती है, इधर तो हमारे हृदय को निर्मल बनाती है और उधर भजनीय के स्वरूप को स्पष्ट कर देती है बुद्धि के सामने, अंतःकरण के सामने, और फिर उससे एकता करने का जो उपनिषदों में उपदेश है उसका ग्रहण होता है। इसलिए जो लोग बिना तत्पदार्थ का चिंतन किए श्रद्धा पूर्वक उसके महत्व को, उसकी पूर्णता को, उसकी अपरिच्छिन्नता को जाने बिना मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ, तब वो तो महाराज जी ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं बंधा पुत्र हूँ मैं बंधा पुत्र हूँ, क्योंकि जिसको वो नहीं जानते हैं उसी के बारे में नारायण द्वैत बुद्धि के साथ क्रोध लगा हुआ है और क्रोधी पने का अभिमान लगा हुआ है। क्रोध का निमित्त होता है बाहर, क्रोधाकार वृत्ति होती है अंतःकरण में, और मैं क्रोधी हूँ ये भ्रम होता है, ये अभिमान होता है भ्रम से, भ्रांति से, और सबके मूल में अविद्या बैठी हुई है। इसलिए द्वैत बुद्धि माने भ्रांति है, द्वैत बुद्धि का अर्थ भ्रांति है, समझदारी नहीं, कि अविद्या का कार्य है और इसको दूर करना चाहिए। गोस्वामी जी का अभिप्राय यही है कि नारायण तुम झटपट अपने को ईश्वर के समान मत मानो, पहले इस द्वैत बुद्धि रूप भ्रम को दूर करने का प्रयास करो, और ये क्रोध रहित संतों का यदि सत्संग मिले तो अपने जीवन में बहुत जल्दी आता है। हमारे श्री उड़िया बाबा जी महाराज थे, इनके जीवन में कभी क्रोध देखने में किसी को नहीं आया, केवल हमको ना आया हो सो बात नहीं, किसी के जीवन में कभी क्रोध का लेश मात्र भी उनके जीवन में देखने में नहीं आया। तो यदि ऐसे महात्माओं का सत्संग प्राप्त हो तो नारायण अपने जीवन में से ही क्रोध भाग जाएगा। वाणी का मौन कब और किसको करना चाहिए, मौन के समय क्या करना चाहिए? इस बार में दो छुट्टी उसमें करें, एक तो युवान का नाम कीर्तन करना है, तो लोगों के साथ मिल के भी और अलग युवान का कीर्तन करना, हरे राम हरे राम गाना नहीं आता था इस लोग की तरह, जैसे कर्म क्षेत्र के ऐसे हरे राम 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 हरे हरे। हमारे बाबा कहते थे कि श्लोक क्या के बोलोगे बाद में, जब श्लोक रचना करोगे तो इसलिए स्वर धर्म के अनुसार उसमें एक घंटे को प्रवचन करता था भगवान और एक घंटे के करिए भगवान के नाम संकीर्तन, संसार के वाचक शब्दों का उच्चारण न करके भगवत वाचक शब्दों का उच्चारण करता, किसको ऋजु मौन समझे छोटे दर्जे का मौन, परंतु संसार की बातों के उच्चारण से बच जाते हैं, उतनी देर किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, चिंतन करते हैं, मौन होते भी प्रयास यही रहता था कि भगवत विषय चिंतन है, क्योंकि बिल्कुल शब्द को भीतर से बंद कर देना ये बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि स्पंदन तो होता रहता है, ये जो धड़कन है चलती रहती है, स्क्रीनिंग पर देखते हैं तब तक तक जैसे घड़ी का संतुलन चलता है वैसे एक चीज चलती रहती है, उसकी आवाज होती है,
उस आवाज को सुनना सब लोगों के लिए तो संभव नहीं है, परंतु आवाज होती रहती है। इसलिए पहले वाणी का मौन ही स्वीकार करना चाहिए। लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, निंदा स्तुति नहीं करेंगे, अनावश्यक नहीं बोलेंगे और भगवान नाम बोलेंगे, भगवत कथा प्रवचन करेंगे। तो बाद में इसको जितना आवश्यक है उतना उतने प्रयोग करें, अनावश्यक भाषण का, क्योंकि गीता में वाणी का जो तर्क है उसमें न बोलना नहीं, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियो हितंचजम स्वाध्याया प्रसन्न चैव पांडवम उपचते, ऐसा बोलिए जिससे किसी को उद्वेग न हो। बोलिए पर सत्य हो तो बोलिए, झूठ न बोलिए। शंकराचार्य कहते हैं कि जितना जितना समझने में आता जाए कि ये झूठ है, उतना उतना उसकी चर्चा छोड़ के चलिए। वो अनात्म पदार्थ सारे के सारे छूट जाएंगे, मिथ्या पदार्थ सत्य न लभ्यस्तोषात्मा अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, और सत्य भी बोले और कड़वा हो तो न बोले, ये सब मौन के ही अंग है। सत्यम प्रिय हितंच जत, सत्य बोले और प्रिय बोले, सत्य हो तब भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए। दो साधु जा रहे थे भिक्षा मांगने, एक ने जाके दरवाजे पर बोला ये औरत तेरे चश्म कहाँ गए, वो निकल के आई और वो नाराज हुई, नाराज ये कौन है ऐसा बोलने वाला। दूसरा साधु गया तो बोला माता जी आपके पतिदेव कहाँ हो, तो बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा शिष्ट है कि सत्य भी बोलना हो तो प्रिय बोलना चाहिए और किसी को ओ पंडित जी बाजार में पुकार दिया, ओ पंडित जी हाँ भैया क्या बात, अरे तुमको मालूम नहीं है तुम्हारे घर में अधेरा सबको पता नहीं है, तुम्हारी जो कुमारी कन्या है ना उसके पेट में बच्चा आ गया है, अब मजा बताओ मेरी सभा में मेरी सड़क पर ये सत्य होने पर भी कहने के योग्य नहीं है, क्योंकि यदि सत्य बोलना धर्म है तो किसी को बदनाम करना या किसी की बेइज्जती करना या झूठ बोलना या जो बोलने योग्य नहीं है सो अयोग्य बोलना उसको ठीक नहीं, हितकारी बोलना ये सब मौन है, जिसके बोले बिना किसी का हित होता हो सो बोल देना चाहिए और स्वाध्याय अपना जो है वो करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ होता है पहले तो यदि विजाती है और गायत्री जितने संस्कार हुआ है गायत्री का जप करता है वो अपने स्वाध्याय घोषणा चाहिए, ये वाणी का तप है। लेकिन वाणी के तप की जगह भगवान श्री कृष्ण ने मौन को मन के तपस में रखा, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म अनुग्रह भाव संशुद्ध तपो मानस निश्चित, हर समय मन प्रसन्न रहे। जब दूसरी चीज के प्रति रीति होगी तब उसके मिलने न मिलने अनुकूल प्रतिकूल होने से मन का प्रसाद जाता रहेगा, निर्मल रहना चाहिए मन अपना बिल्कुल जैसे निर्मल सरोवर हो, और सौम्यत्व चांदनी बरसे जैसे चंद्रमा से चांदनी बरसती है ऐसे
अपनी बाणी से अमृत रस तप के और मौनम मौन मौन है सत्य हित प्रिय और सर्वोचित और आवश्यक जो हो उतने ही बोले। साधुओं के लिए तो यहाँ तक कहा है कि गो पशुवादिवत बांध होगा, जैसे गाय कब बोलती है भैंस कब बोलती है, तो जब उसका कहीं बछड़ा या पाड़ा बिछुड़ जाए या कोई उसके शरीर में तकलीफ हो जाए तब बोलती है, तो आवश्यक हो तब बोलना चाहिए। तो अपनी जीभ पर यदि हम बोलने वाली जीभ पर नियंत्रण है तो एक इंद्रिय के नियंत्रण से सभी इंद्रियों के नियंत्रण की सावधानी आ जाती है। जो बोलने में असावधान है, चाहे जो अर्थसन बोल देता है, गुरु जी ने कहा कि जरा हमारा गंदा तो साथ दे दे, तो चेले ने कहा हो अपने पास ही तो नहीं रखते। गुरु हम कृत्य तुम कृत्य, एक अक्षर सिखाने वाले गुरु के प्रति होम का उच्चारण करना ये गोपात की बराबर शास्त्रों में माना गया है कि गुरु का अपमान है। तो इससे कैसे बोलना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, यदि यही नहीं आता है तो विधि पूर्वक जो श्रवण का मार्ग है चिंतन का मार्ग है वो भी कैसे चल सकता है। तो मौन होना, तो पहले वाणी का मौन होना, उसके बाद और जो भीतर उसके वाणी है उपांशु उसका भी मौन होना, फिर जो शब्द का उच्चारण हो रहा है स्वयं उच्चारण का कर्ता न बनना, उच्चारण होते हुए को देखना, पश्यंती वाणी में उच्चारण क्रिया नहीं है उच्चारण का दृष्टापन है, और परा वाणी में उच्चारण और उच्चारण करता ये दो नहीं होते हैं, तादात्म्य कम हो जाते हैं। तो बैठरी मध्यमा पश्यंती और परा, इनको तो आप ऐसा समझें कि जैसे बैठरी विश्व विराट में हो और मध्यमा तेजस और हिरण्य गर्भ में हो और पश्यंती प्राज्ञ और ईश्वर में हो और परावाणी अपने स्वरूप में हो, तो धीरे धीरे जो मौन की गंभीरता का अभ्यास करेगा वो परावाणी में पहुंच जाएगा, और परावाणी जो है वो चिति रूपी होती है, वो चिन्मात्र से पृथक नहीं होती है। तो और जैसे जैसे दक्षिणाक्षम वही पुरुष दक्षिणाक्षी के द्वारा अभ्यास करते करते हम दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, वैसे वाणी के नियंत्रण के द्वारा भी पराचिति में स्थित हो सकते हैं। और इसी प्रकार जो मनस मन है उसको भी शांत करते करते परम प्रकाशन जो है परमाह्लाद स्वरूप मुक्तिदान इसमें स्थित हो सकते हैं। तो बाघ ये कर्मेंद्रिय के द्वारा परावाणी तक पहुँचने का उपाय है मौन, और दृष्टि जो है वो पूर्णा दृष्टि यमा दृष्टि प्रतिपद दृष्टि इनके द्वारा दृष्टा में स्थित होने की युक्ति है। और इसी प्रकार एक एक इंद्रिय के द्वारा भी यदि संयम करें तो समाधि लग सकती है और अपने स्वरूप में स्थित हो सकती स्थिति हो सकती है। इसलिए मौन एक बहुत बड़ी साधना है, इसको सब लोग नहीं कर सकते, पर ये भी सीख के करना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से मौन हो गए तो जड़ता जड़ता हो गई। हम जब गीता प्रेस के बगीचे में रहते थे, जैसे हम गीता प्रेस में कभी रहे नहीं, कल्याण वाटिका जो गीता वाटिका है उसमें रहे 3-4 दिन दूर प्रेस से है,
और हम प्रेस के कोई कर्मचारी नहीं थे, उनसे वेतन किसी प्रकार का नहीं देते थे, न लिया न लेते थे। एक बार वहाँ मौन रहने की बारी थी, सब लोग मौन रहेंगे, केवल प्रार्थना करते थे संचित थे भगवान का शरणारविंदम और अपनी डायरी लिखते थे कि आज दिन भर में क्या क्या गलती हुई। साधक मंडल वहाँ बना था तो वहाँ महाराज बहुत सेठ लोग आ गए, 25-30 सेठ आ गए। तो वो महाराज कैसे मौन रहे कि जब कोई बाजार जाने लगे तो बोले हे नाथ, फिर वो सामने ने ध्यान दिया मेरे नारायण साब दो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव थोड़े में बोल दिया। कोई कोई ऐसे थे वही जो बिल्कुल का बोलते तो नहीं थे पर लिखने में इतने निपुण थे कि वो बाघ इंद्रिय का प्रयोग न करके कर्म इंद्रिय का प्रयोग करते थे। वो तो एक ही बात हुई बोला, कई कई लोग हैं वो दो तोले की जीव तो नहीं हिलाते पर पांच शेर का सिर हिलाते ऐसे 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 बोलते हैं। और दक्षिणी लोग होते हैं वो तो अपना पूरा शरीर ही हिला के बोलते हैं, तमिल तेलुगु वो पूरा शरीर हिला के बोलते हैं। तो मौन की पद्धति ये है कि हम वाणी के नियंत्रण के द्वारा अपने मन का नियंत्रण करें और केवल अंदाजी बात अनुमान की बात पर न रहें, लक्ष्य का निर्धारण श्रुति के अनुसार होना चाहिए कि अंत को गत्वा हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसीलिए पहले तो स्वाध्याय की आवश्यकता होती है और उसके बाद कर्मकांड की आवश्यकता होती है धर्मानुष्ठान की, उसके बाद जप की आवश्यकता होती है और उसके बाद धीरे धीरे मंत्रार्थ निश्चय की आवश्यकता होती है। जब समदमादी संपत्ति अपने जीवन में आ जाती है तब श्रुति ही तम पदार्थ को शुद्ध करके तत् पदार्थ को शुद्ध करके दोनों की एकता का उपदेश करती है। ये मनमाना मार्ग बिल्कुल नहीं है और जो मनमाना चलते हैं वो यदि बड़े भी हो जाए तो केवल अहम की पूजा में ही उनका जीवन व्यतीत होता है, परमात्मा की पूजा में है। वो अपने बड़प्पन को ही दिखाएंगे कि हमको ये मिल गया ये मिल गया ये मिल गया, हम ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं। देह की स्थिति का नाम कोई स्थिति नहीं है, अंतरात्मा का जो बोध है अविद्या के आवरण का जो भंग है वहाँ तक मनुष्य को पहुँचना चाहिए। इसमें पहले श्रुति होती है फिर अंतरिक्षा होती है। श्रुति उपपत्ति अंतरिक्षाभ्या जो सूत्र है, श्रुति उपपत्ति अंतरिक्षाभ्या, पहले श्रवण करो फिर उसके उपादन के लिए मनन करो और फिर अंतरिक्षा निधि ध्यासन करो तब और श्रवण भी। जो प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व को जानने वाला महापुरुष है उसके द्वारा श्रवण होना चाहिए, नहीं तो श्रवण भी अधूरा रह जाएगा। तो ये मौन जो है वो पंडिताई दिखाने के लिए नहीं है। पांडित्य निर्विद्य वाल्य निष्ठा से पांडित्य का परित्याग करके बाल्य माने ज्ञान बल भाव को अपनी निष्ठा के बल से जीवन व्यतीत करे, बाल्य निर्विद्य मौने निष्ठा से बाल्य छोड़ करके मौन रहे, मौनं च अमौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणा, मौन और अमौन से निर्विण जब होता है तब ब्राह्मण होता है, सचमुच का ब्रह्मज्ञानी होता है। तो ये जो काष्ठ मौन है, दिखावे का मौन है, सिर हिला के मौन है, हाथ हिला के मौन है, लिख के मौन है, ये मौन को गिरा मौनम को बाला नाम शंकराचार्य ने कहा
ये वाणी का जो मौन है ये तो बालकों का है। 20 चीज तो घूम रही है अंतकरण में, अनेक शंका है, अनेक कामना है, अनेक संकल्प है, अनेक प्रकार की मनोवृत्ति होती है और ऊपर ऊपर से मौन ग्रहण किए हुए हैं, तो जहाँ तक हो सके मौन का दंभ नहीं होना चाहिए। जप दंभास तपो दंभा ज्ञान दंभास तथैव च सर्वे निष्प्रिय दंभस्य कलाम नारहं की षोडशी। कश्मीरी शैवों ने कहा कि कोई जप करने का दंभ करते हैं, कोई तप करने का दंभ करते हैं, कोई ध्यान करने का दंभ करते हैं, दंभ मान दिखावा, भगवान के दरबार में अंतरात्मा के सामने ये दंभ बिल्कुल नहीं चलता है। सर्वे निष्प्रिय दंभस्य कलाम नारहं की षोडशी, ये जो त्याग का दंभ है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ा दंभ ये है, इसकी बराबरी का दंभ और कोई नहीं है। तो जो ईमानदारी से साधन होता है वही यथार्थ शक्ति के साक्षात्कार का हेतु होता है, और जो बनावटी ऊपरी ऊपरी होता है वो किसी हद तक भले काम करे लेकिन अंततो गत्वा तो सारा अहंकार जो है उसका परित्याग करना ही पड़ता है। ओम।